नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वीक और मैं हूं प्रियंका। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। बांदा जनपद में आज एक मामला सामने आया है, जहां एक पीड़ित वृद्ध जो कि अलाव की जमीन की देखरेख करता है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा जनपद के नगर कोतवाली अंतर्गत निम्मी पार मोहल्ला का है, जहां पीड़ित वृद्ध ने बताया कि वह इमामबाड़ी जमीन की देखरेख करता है। उसका कहना है कि यशवंत खरे उर्फ छोटे भाई द्वारा मटेरियल डालकर अवैध निर्माण करवाया जा रहा है, जहां अलाव की जमीन पर कुछ दबंगों द्वारा रोजाना पहुंचकर जमीन को खाली करने की धमकी दी जाती है। वृद्ध द्वारा अधिकारियों को कई शिकायती पत्र भी दिए गए, लेकिन अधिकारियों की अनदेखी ने दबंगों के हौसले और बुलंद कर दिए। जब दबंगों ने निर्माण कार्य शुरू करवा दिया तो आज कलेक्ट्रेट परिसर में एक बार फिर न्याय की उम्मीद लेकर पीड़ित वृद्ध शिकायती पत्र लेकर पहुंचा। वृद्ध का कहना है कि आज एक बार फिर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर मजिस्ट्रेट को शिकायती पत्र दिया है, जिसमें इन दबंगों के खिलाफ कार्रवाई करने व अवैध निर्माण कार्य को रोकने की मांग की है। समस्या यह है कि हमारी जमीन में कुछ अवैध निर्माण हो रहा, तो जिसके वजह से शासन और प्रशासन कोई से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri.